तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, मतलब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 4 स्ट्रेटजीज देने वाला हूं जो एंजाइटी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहेगी। और मेरी ये कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो उस टाइम पे मतलब जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तब मैं कैसे खुद को अफर्मेशंस करता था, कैसे मैं खुद को मोटिवेट करके रखता था। जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, तब मैं क्या खुद को अफर्मेशंस देता था, कैसे खुद को पॉजिटिव रख पाता था, कैसे मैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर पाता था, ये सारी चीज़ें जो है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है, पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ही मैं आप लोगों को जो मेरी स्ट्रेटजीज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मुझे पैनिक अटैक आता था या नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो उस मोमेंट पे मैं सिर्फ क्या करता था कि मतलब इतना तो मुझे पता था कि इससे कोई खतरा नहीं होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ये मुझे समझ में आ गई थी और मैं डील करने लग गया था इस चीज़ से। ये जब पैनिक अटैक आना, एंजाइटी अटैक आना, ये सारी चीज़ों को मैं फेस करते करते मैं समझने लग गया था, इसके साथ साथ मैं चलने लग गया था, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मैंने उस टाइम पे लिखा था, हालांकि इसकी कंडीशन बहुत बेकार है, बट ये बहुत पहले मैंने इसे लिखा था, ठीक है। इसमें 4 स्ट्रेटजीज लिखे हैं मैंने, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटजी है रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स, जैसे कि हमें कोई पैनिक अटैक वाला सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी कुछ होने वाला है, तो उस मोमेंट पे आप लोगों को रिलैक्स कैसे करना है, खुद को बस ये अफर्मेशंस देनी है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करनी है एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करना सीख गए आपके पैनिक अटैक में, तो लिटरली मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लोगे आप अपने पैनिक अटैक को। हालांकि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, बट लेकिन कंट्रोल करना आप सीख जाओगे, ये मैं आप लोगों को दवा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड जो है वो है अवॉइड इट सेंस कि मतलब हमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमें पता होता है कि ये फिजूल के हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, बट डेफिनेटली ये जो थॉट्स आ रहे हैं वो मतलब यूजुअली कोई उसका रीज़न ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसे थॉट्स को अवॉइड करना है, या तो ऐसा भी कर सकते हो कि उस थॉट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो क्वेश्चन मार्क लगेंगे तो उसको पॉसिबिलिटीज़ भी बनेगी, तो उसके बेस्ट आंसर्स भी आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड ही आपको देगा। तो मोस्टली आपको ये ट्राई करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो थॉट्स हैं मैं सोचना नहीं चाह रहा हूँ बट डेफिनेटली आ रहे हैं, सो आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे थॉट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। एंड थर्ड जो टॉपिक है वो है एक्टिव, यानी कि दोस्तों जब भी मतलब एंजाइटी जिस किसी को भी होती है तो वो बहुत लेजीनेस फील करता है, बेड से उठना मतलब बहुत बड़ा टास्क उनको लगता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैं जब ये सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा था तब मैंने खुद को फोर्सफुली जॉब पर पुश किया, ठीक है। मैं करना नहीं चाहता था बट लेकिन फिर भी मैंने खुद को पुश किया जॉब की तरफ, ठीक है। एंड मैं डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि मैं जो डेली एक्टिविटीज़ करता था पहले, अब वो मैं नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल मैं खुद को फोर्स कर करके वो सारी चीज़ों को करने लगा, ठीक है। मतलब हालांकि मेरा मन नहीं लगता था और कुछ टाइम करने के बाद मेरा मन भर जाता था, बट फिर भी मैं खुद को जैसे ही मैं उठकर चला जाता था, खींच खींच कर लाकर मैं खुद को बिठाकर वही काम फिर से कराता था। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। एक्टिव हमेशा रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लेटे हो, खुद को आइसोलेट करके रखे हो, इससे कभी भी काम नहीं बनेगा दोस्तों। आप लोगों को एक्टिव रहना होगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज बिजी। जब तक दोस्तों आप खुद को बिजी रखना नहीं सीखोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपको खाते ही जाएगी अंदर से। आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखना है खुद को, कि मतलब इतना बिजी रखना है कि आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स को आने के लिए कोई भी जगह ना बच पाए। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट जो टॉपिक में नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये आप एक बार फिर से हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा होता था कि जो लास्ट वाला स्ट्रेटजी है वो ये है कि इसमें मैंने लिखा है, व्हेन इट कम्स टू चेंज योर माइंड गेट बिजी इन समथिंग। जब भी हमें कोई ऐसा थॉट आए कि मतलब अभी कुछ होने वाला है, और ऐसा हो भी जाता है दोस्तों, जो हम थॉट करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो एक्चुअल में हमारे साथ होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई थॉट आए तो आप लोगों को क्या करना है, तुरंत किसी चीज़ में बिजी हो जाना है।
उस थॉट को अंदर आने के लिए पूरी तरीके से जगह देना ही नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से उसे ब्लॉक करके रखना है। अब वो ब्लॉक कैसे होगा, जब आप कोई ऐसे काम में बिजी रहोगे जो आप बहुत डीपली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार स्ट्रेटजीज है दोस्तों, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये मेरे बहुत काम आए थे, स्टिल इस चीज़ को ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं एंड स्टिल मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है, बिकॉज आई नो कि इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है दोस्तों, लिटरली। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी एक आदत थी दोस्तों, जो भी मैं प्रॉब्लम फेस करता था मैं वो सारी चीज़ों को लिखा करता था, ठीक है। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर मिली होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के साथ लाता रहूँगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।